नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। हैदराबाद गैंगरेप केस के चारों आरोपी एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पीएम के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस के चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। चारों आरोपी पुलिस रिमांड में थे और उन्हें गुरुवार देर रात नेशनल हाईवे -44 पर क्राइम सीन पर ले जाया गया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और धुंध का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में चारों आरोपियों को मार गिराया। लाशों का पंचनामा किया जा रहा है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। दरिंदों को मारे जाने के बाद एक और जहां अपने देश में पुलिस की प्रशंसा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में महिलाओं ने आपस में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। बता दें कि इन आरोपियों ने डॉक्टर दिशा को किडनैप किया था और फिर उसके साथ गैंगरेप किया था। इसके बाद आरोपियों ने डॉक्टर दिशा की हत्या कर दी थी और शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। डॉक्टर दिशा की उम्र 27 साल थी और वो कोल्लूरू के पशु चिकित्सालय गई थी। हैदराबाद के शादनगर के टोल प्लाजा के पास ही डॉक्टर ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। जब वो रात में वापस लौट रही थी तो उनकी स्कूटी पंक्चर थी। इसके बाद डॉक्टर दिशा ने अपनी बहन को फोन किया था और इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद फोन कट गया था। जब डॉक्टर दिशा की बहन ने उनको दोबारा कॉल किया तो फोन नहीं लगा। इसके बाद डॉक्टर दिशा का जला हुआ शव बरामद हुआ था। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। आज आप लोग आजाद पार्क में आई हुई, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या है? आज हम सभी लोग भी कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार और जला देने के मामले आ रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सारी महिला बहन। और साथ में हैदराबाद में के जो डॉक्टर जो उनको जला के मार दिया गया था बलात्कार में, उनके जो आरोपी हैं उनको जो सजा दी गई है, एनकाउंटर हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इन आरोपियों को सजा मिली, उसी तरह 7 साल से जो रुका हुआ निर्भया केस है, उसमें जो भी आरोपी हैं उनको बिरयानी न खिलाई जाए, जेल में बंद करके उनको तुरंत त्वरित न्याय किया जाए। यूपी सरकार से किस तरह के कानून बनाने की आप मांग करेंगे? यूपी सरकार से हमारी यही मांगे है कि जो भी बलात्कार और रेप के और जो जला देने के केस आ रहे हैं सामने, उनकी त्वरित कार्रवाई किया जाए 1 महीने के अंदर। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है 3 महीना 6 महीना नहीं, और उसको भी और जल्दी से जल्दी विलंब उसको किया जाए, ताकि अधिक दोषियों को सजा मिले और जो ऐसा करने की सोच रहे उनको सबक भी मिले। और साथ में मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी दोषी है